हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जीके जी। शिवशंकर जीके जी इसमें एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का चल रहा था क्लास आज, लेकिन एक बात थी कि आप लोगों ने मैसेज किया था कि सर आप हमें हिंदी का सिलेबस बता दो कि ताकि हम अपने से भी कुछ तैयारी कर पाए। तो आज आप लोगों का क्लास में हम बता रहे हैं हिंदी का सिलेबस कि कौन कौन से आपको पढ़ना है सिलेबस, और इस सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मात्र 15 क्वेश्चन रहेगा, यानी पीएमडी वालों के लिए तो 10 रहेगा और पीएम के लिए तो 15 चैप्टर है आपका, 10 से 15 क्वेश्चन ही रहेगा। लेकिन वो हमेशा क्वेश्चन की जो संख्या है हमेशा चेंज होती रहती है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपका जो पारा मेडिकल का 2020 में एग्जाम होगा ना, चाहे कभी भी एग्जाम हो हर साल, लेकिन टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 90 क्वेश्चन होगा, चाहे पीएम हो चाहे पीएमडी हो, दोनों के लिए पीएम या पीएमडी 90 क्वेश्चन होगा। और लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी 10 क्वेश्चन पूछता है तो 12 भी पूछ सकता है, अगर विज्ञान से आपको 15 क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स से तो वहां पे 10 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये चेंज होते रहते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आज आपका हिंदी का टॉपिक है और इस हिंदी में बताते हैं सिलेबस क्या है, कुछ सिलेबस आपने भी कीजिएगा और हम करवा देंगे, उसके लिए टेंशन मुक्त रहिए। देखिए हिंदी का है आपका पहला जो आपका चैप्टर हिंदी के लिए वो सभी तो व्याकरण से ही रहेगा और कुछ रहेगा नहीं, कोई हिंदी का बुक वगैरह से नहीं रहेगा, सब व्याकरण रहेगा। तो यहाँ पे पहला आपका नंबर पे आता है कि भाषा एवं व्याकरण, पहला नंबर पे आता है भाषा एवं व्याकरण, तो पहला ही हो गया व्याकरण और भाषा, तो पूरा व्याकरण रहेगा ही, भाषा हिंदी रहेगा ही। अब दूसरे नंबर पे आता है भाषा में और व्याकरण में कि क्या क्या होना चाहिए, और तो वहां पे हो जाता है आपका संधि, क्या संधि, तो संधि आप बचपन से पढ़ते आए, संधि विच्छेद पढ़ते आए हैं, बचपन से ही पढ़ते आए, 8वें 9वें 7वें से 6ठे से संधि विच्छेद कैसे, बस वही रहेगा, संधि विच्छेद दिया हुआ रहेगा, उसको आपको जोड़ करेक्ट होगा, उसको 4 ऑप्शन में से एक बनाना है। उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे आता है समास, तीसरा नंबर पे आता है समास, समास भी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, संधि समास पढ़ते आ रहे हैं, सर्वनाम विशेषज्ञ सब पढ़ते आ रहे हैं ना, विशेषण सर्वनाम, तो ये सब जो आप पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल वही सब रहेगी, ज्यादा कोई खास हार्ड नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कुल टोटल जो होगा 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर से ही 14 क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला और उसके बाद चौथा जो है आपका पर्यायवाची शब्द, क्या पर्यायवाची शब्द, एक बात पर्यायवाची जो शब्द है ना, ये पर्यायवाची शब्द हम आपका क्लास चल रहा है इसको ध्यान में रखिएगा कि पर्यायवाची का जो है लेसन चैप्टर, यह चैप्टर आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है, हमने स्टार्ट किया है कल या परसों किया था स्टार्ट, एक क्लास हो चुका है पर्यायवाची शब्द पे, उसको वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आता है कि 5वें नंबर पे वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए यानी एक शब्द वाक बनाने के लिए एक शब्द चाहिए, समझे ना, हुआ रहेगा आपको वहां वाक बना हुआ रहेगा एक शब्द से, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाक सही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है 6ठे नंबर पे तत्सम एवं तद्भव, तत्सम एवं तद्भव ये भी आपको हम पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए, पर्यायवाची शब्द आपका चल रहा है, पिछले क्लास में चला था, वीडियो जाके देख लीजिएगा, और उस वीडियो में पीडीएफ का लिंक है, पिछले क्लास वाला वीडियो में पर्यायवाची शब्द का पीडीएफ का, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, और सारे सिलेबस को लिख लीजिएगा। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है उपसर्ग एवं प्रत्यय, क्या आता है उपसर्ग एवं प्रत्यय, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी आप लोग 8वें 9वें 10वें से पढ़ते आ रहे हैं ना। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है मुहावरा आता था लोक कृतियां, लोक कृतियां आपको हिंदी व्याकरण वाली किताब में मिलेगी, अगर आपके पास इतनी सी किताब नहीं उपलब्ध है तो फिर हम आइए पढ़ाई भी करें तो टेंशन का है, मुहावरे तथा लोक कृतियां, और एग्जाम का टेंशन नहीं लेना, एग्जाम एकदम अभी 2020 में होने वाला नहीं है, टेंशन मुक्त रहो। उसके बाद 9वें नंबर पे आता है बर्तनी शुद्धि, क्या बर्तनी शुद्धि, यानी आपको सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, वाक लिखा हुआ रहेगा 4 गो, ओकरे में देखना है कि कौन सा वाक है जो सही लिखा हुआ है, वही बर्तनी शुद्धि हुआ। उसके बाद आता है आपका रस, रस आता है कविता वगैरह में रहेगा। उसके बाद आता है 11 नंबर पे आता है छंद और अलंकार, 11 नंबर पे आता है
छंद और अलंकार की जो बिंदु अलंकार है, छंद है, इसके बारे में पढ़ना है, वह हम आपको पढ़ा देंगे। इसके लिए टेंशन मुक्त रहिए, एकदम अच्छे से पढ़ा देंगे। उसके बाद 12 नंबर पे आता है आपका अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति। अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति, आपका एक वाक्य दिया हुआ रहेगा, अनुच्छेद दिया हुआ रहेगा, अब बीच में खाली स्थान दे देगा, और चार गो ऑप्शन रहेगा, आपको उसमें से चुनना है कि कौन सा ऑप्शन वाला इसमें भराएगा, बस यही रहेगा रिक्त स्थान में। उसके बाद 13 नंबर पे आता है प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। देखिए प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार हमने पढ़ा दिया है, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार भी हमने पढ़ाया है पिछले क्लास का। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में हिंदी का ऑप्शन देखिए, वहां पे सारा हिंदी का वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम पूरा हिंदी का वीडियो आपको बता देंगे कहाँ पे है, आप देख लीजिएगा। और इस सब का व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, व्हाट्सएप कीजिएगा, सबको पीडीएफ हम दे देंगे जो पढ़ाएंगे, जो फ्री तो देते हैं, पैसा लेते हैं तब काहे नहीं व्हाट्सएप करके ले लेते हैं, ले लीजिए। और टेस्ट भी हर बृहस्पतिवार को आप लोग का टेस्ट होता है, आपका आपका संडे को पिछले बार टेस्ट हुआ था, 30 जुलाई को टेस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, 30 जुलाई बृहस्पतिवार को टेस्ट है, शाम 4 बजे टेस्ट होगा, लाइव होता है, टेस्ट का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार इसका हम पढ़ा दिया, इसका पीडीएफ भी सबको दे दिए हैं। अगर आपको नहीं मिला है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 14 नंबर पे आप पठित क्या आप पठित गद्यांश, वहां आप पठित मतलब ये कहानी टाइप के वो पैराग्राफ दे देगा, और ओकरा पे 2-3 वो क्वेश्चन बनावल रहेगा, समझे ना, ओकरा और क्वेश्चन मार्क के 4-4 वो ऑप्शन रहेगा, ओकरे में से चुन के एकरा पढ़ के एकरे में से चुन के एकरा आंसर देना रहेगा, समझे ना। आप लोग दसवां में हिंदी का दिए थे ना एग्जाम, आ इंटर में तो हिंदी में रहता नहीं, वो कहानी सारांश दे रहे हो, कहानी से लिखना, तो इसी वो पैराग्राफ रहेगा आप पठित गद्यांश में से, ठीक है ना। और देखिए आपका पर्यायवाची शब्द और प्रमुख रचना, ये दोनों का सबको पीडीएफ दे दिए हैं, आप पीडीएफ ले लीजिए। और जो भी पीडीएफ दिए इससे बाहर, जितना अभी तक पीडीएफ दिया है उस पीडीएफ से एक भी बार क्वेश्चन नहीं आएगा। पर्यायवाची शब्द भी दिए, पर्यायवाची शब्द से एक भी क्वेश्चन पीडीएफ से बाहर नहीं रहेगा, और रचनाएं एवं रचनाकार इससे भी बाहर एक भी नहीं रहेगा। तो जरूर पीडीएफ व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सिलेबस हिंदी का, हम आपको बता दिए, जिसमें 2 चैप्टर आपका, एक चैप्टर खत्म हो चुका है, 1 चैप्टर चल रहा है, उसके बाद आप मुहावरा या लोक कृतियां या संधि या समास को एक स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो पारा मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं, 2020 में देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।